अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स। तो फ्रेंड, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ भाइयों ने कहा इस पर डिटेल हमें वीडियो बना के दो। तो मैंने कहा आप देखा हो तो आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो भाई ने कहा कि हमारे बेबी पिजन्स है 45 डे के हो गए, 40 डे के हो गए, अब उनको हमें उड़ाना चाहिए। पूरा इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करूँगा किस तरह हम बेबी पिजन्स को उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ बेबी पिजन्स इस तरह के होते हैं कि पहली कली या दूसरी कली या बेबी पिजन्स हो तो उनको उड़ा के उनको रोक लेंगे। रोक के जब कबूतर का बेबी पिजन 10 पर साफ करेगा उसके बाद ही बेबी पिजन को उड़ाना चाहिए। क्योंकि जो कबूतर, कुछ कबूतर हैं जोड़ों प्योर टीम ही नस्ल होते हैं, जिनके हड्डी जोड़ बंद है, हाई फिलायर है, प्योर टीम नस्ल है, उनको उड़ान शान अच्छी है, तो वो कबूतर बिल्कुल पहली कली का हो तो उड़ान भरेगा, तो वो कहीं भी आपका ज़ाया नहीं होगा। शर्त एक है, आपका घर का छत का व्यू आपको बेबी पिजन को अच्छे से दिखाना होगा। अगर वो कबूतर बेबी पिजन घर का व्यू अच्छे से देख लेगा तो 100% चांस है आपका कबूतर बेबी पिजन कहीं भी ज़ाया नहीं होगा। जिनके बचपन दाना, जो अपनी माँ बाप से दाना लेते वक्त बेबी पिजन की जब आँख साफ हो जाती है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो दाना ले अपनी माँ बाप से दाना लेते हुए अपनी आँख बिल्कुल साफ कर देते हैं, वो कबूतर आपके कहीं भी ज़ाया नहीं होंगे। जब उनके जो हड्डी जोड़ बंद होंगे, प्योर नस्ल प्योरिटी में होंगे, वो आप कबूतर आपके कहीं ज़ाया भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड, ये वो बेबी पिजन है जो नीले ब्लैक कबूतर का बेबी पिजन निकला है, क्योंकि डे बाय डे इसकी वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, ये इन कबूतरों की ट्रीटमेंट की, तो इस वजह से नहीं डाल सका। क्योंकि जब ये तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि आप देख सकते हैं मच्छरों के जहरबाज की वजह से ये दुम बिछा, ये बंक वगैरह मैंने पूरा साफ करके जहरबाज का इलाज किया, तो ट्रीटमेंट मुकम्मल ये कबूतर तैयार हो गया है। सिर्फ ये चूंच के ऊपर ये आप निशान लगा हुआ है, क्योंकि बचपन से लेके ये मच्छरों का काफ़ी जहरबाज हो गया, तो ये कबूतर बेकार नीला ब्लैक कबूतर, तो ये बिल्कुल बेबी पिजन्स है। जो डे बाय डे की वीडियो अभी डाली भी नहीं है, क्योंकि वाइट कबूतर मुझे मिला नहीं, अंदर चला गया लॉफ्ट के अंदर। पहले मैं इनके आपको पर दिखाता हूँ, क्योंकि आपको देख सकते हैं इसने एक कली भी नहीं गिराई है। इस साइड की पर, ये दूसरी साइड का पल्ला, ये आपको वाजे नजर आ रहा होगा, एक कली भी इसने नहीं गिराई है। तो इनका मच्छरों का जहर बात काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी बेबी पिजन को मच्छरों का जहर बात हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, ये इतना मच्छरों ने खाया था, तो ट्रीटमेंट किया मुकम्मल, ये बेबी पिजन तैयार हो गया है। तो पहले मैं इसकी आइज़ का क्लोजअप कर देता हूँ। ये बेबी पिजन की आइज़ है, ये हो गए क्लियर। तो ये अभी पहली कली का नहीं है, आग की बिल्कुल फिटिंग दे के, लास्ट वाला रिंग दे के आग का नूर, अभी धूप नहीं है, अगर धूप होती तो बिल्कुल ही आपको वाजे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आग का तिल, उसके बाद जो रिंग आपको वो भी थोड़ा थोड़ा सा वाजे नज़र आ रहा होगा। जब एक तो एक या दो कली का हो जाएगा तो इसका हर चीज़ आपको वाजे नज़र आएगी। पॉइंट आपको नोट करनी है कि कबूतर ये आँख बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए, आँख में पानी नज़र आना चाहिए, और लास्ट वाला रिंग आपको वाजे नज़र आना चाहिए, जैसे आपको ये दिख रहा है। उसके बाद आपको ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी जो पिक्चर है वो इसके नूर में बिल्कुल वाजे आ रही है, और उसके बराबर में ये रिंग बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि अभी इनके माँ बाप दोबारा से अंडों पर आ चुके हैं, उन्होंने 2-3 दिन हो गए उनमें से अंडों में दोबारा से बच्चे उन्होंने दे दिए, तो ये आँख बिल्कुल अभी इनको लाया बिल्कुल नहीं है, क्यों लॉफ्ट से बाहर भी नहीं निकाला है। तो ये कबूतर की आँख इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए। तो कबूतर को आपको छोड़ के दिखाता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा बेबी पिजन्स है, अभी इसका ग्रोथ में मुकम्मल अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें वजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीमारी के मुताबिक ये कबूतर बेबी पिजन्स काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और दूसरा बेबी पिजन्स है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले ये इसको मैं, ये इसका बाप भी सामने रहा, तो आपको इसका बाप भी दिखा देता हूँ, ये भी इसका बाप है। तो ये बेबी पिजन्स है, पहले इसको छोड़ते हैं, तो ये बेबी पिजन्स रहा, क्योंकि आपको छोड़ के इसलिए दिखा रहा हूँ कि छोटा बेबी पिजन्स है। तो ये देख सकते हैं छोटा बेबी अभी लॉफ्ट में अंदर चला गया। तो इसका दूसरा भाई भी है, वो भी अंदर है, वो भी आप दोस्तों का शेयर करता हूँ। तो वो भी काफ़ी कमज़ोर था, तो वो पकड़ के वो भी शेयर करता हूँ आप दोस्तों से। तो फ्रेंड, ये दूसरा बेबी पिजन है, आप देख सकते हैं इसको मच्छरों का जहरबाद काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी तो बिल्कुल रिकवर हो गया, पहले इसकी आँखें हर चीज़ आपको नज़र नहीं आ गई, बिल्कुल बंद हो गए थे, अभी ये सूख गए, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आज इसको जो ऊपर ये
छिलके वगैरह है तो ये सूख गए, इसको आराम से उतार देंगे तो ये मुकम्मल तैयार होगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी मच्छरों की वजह से बिल्कुल ऊपर हो गया था, अभी बिल्कुल सेट हो गया है। तो पहले इसकी आइस का किलो दाम ये देख सकते हैं, ये मच्छरों की वजह से हो गया है, देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, तो इस मच्छरों की वजह से हो गया क्योंकि मेरे कबूतरों की मच्छरों ने काट काट के हालत ही ख़राब कर दी। तो पहले इसकी आइस का क्लोजअप करते हैं, तो ये आइस रही इसकी बिल्कुल, आपको लास्ट वाले हर चीज़ आपको वाजी नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसके पर भी आपको दिखा देता हूँ, आँख का नूर, ये कच्ची आँख हुई है, जो फीमेल उसकी कच्ची आँख हुई थी तो मेल की वो वाइट आइस कर रहे हैं सीमेंट कलर की, तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ है। तो इसका पर का भी आप दोस्तों को शो करा देता हूँ, तो पहले इसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसने भी कली गिरा ही नहीं है, क्योंकि बीमारी के मुताबिक पर वगैरह इधर उधर हो गए, क्योंकि मच्छरों की जहरबाद की वजह से हो गया, तो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट है। तो ये साइड का पंख है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसने एक कली भी नहीं गिराई है, इसकी बगल बिल्कुल बड़ी है, आपको वाजे नज़र आ जाएगी, ये पर छोटा बगल इसकी बड़ी है, तो ये बिल्कुल लाइट वेट वज़न है, क्योंकि इनको जहरबाद हो गया है, तो इंशाल्लाह इनका ट्रीटमेंट करके कर दिया है। तो इसको छोड़ते हैं, आप दोस्तों के सामने इनको छोड़ेंगे, तो पहले इसको क्लोजअप करो, तो ये गया, ये सामने उड़ के ऊपर जाके बैठ गया। तो इनका ट्रीटमेंट किया है, तो इसका फादर ये रहा, उसका छोटा भाई यहाँ के लॉफ्ट के अंदर है, तो वो भी आप दोस्तों के से दिखा देता हूँ, ये उसका छोटा भाई लॉफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, और ये इसकी मदर बैठी हुई है, और ये इसका फादर बैठा हुआ है, और ऊपर वो आपको अभी मैंने दिखाया हुआ ये ब्लैक बेबी बिजन बैठा हुआ है, तो वो आपको वाजे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपको जो तो बेबी पिजन की जब आँख आपको नज़र आ रही है कि बिल्कुल साफ आए आइस का इस तरह की आइस है, रिंग भी अच्छी है उसकी, लाइट वेट इस तरह की कबूतर बेबी पिजन की, अगर आइस आपके कबूतर की बेबी पिजन की आइस है तो पहली कली में उड़ान भरेंगे तो आपके कबूतर ज़ाया नहीं होंगे। शर्त ये होगी कि कबूतर के जोड़ वगैरह बंद होने चाहिए, कि नस्ली कबूतर होना चाहिए जो शाम तक ही परवाज दे, उनको घर का छत का व्यू भी आपको अच्छे से दिखाना है तो वो पहली कली से लेकर 10 पर साफ करने तक आप उड़ा सकते हो। अगर इस तरह के कबूतर आपके बेबी पिजन आँख वगैरह साफ नहीं करते तो आपको उनको पहली मरतबा जो पहली या दूसरी कली का हो जाए तो आप उनको उड़ा के उसको दो या तीन मरतबा उड़ा के उनको रोक के हाई फिलहाल जो है उनको रोक के, या ऐसा मेरी तरह लॉफ्ट होना चाहिए, बंद लॉफ्ट हो, बंद लॉफ्ट होना चाहिए, जब वो कबूतर 10 पर साफ करे तो उनकी उड़ान ले। तो ये आज का प्रोसेस है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।